जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई रियासतों में, सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, 565 रियासतों की बात कही जाती थी, बटा हुआ था। देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन इतनी रियासतों में बटा हुआ है भारत, इतने जात, इतने पंथ, इतने मजहब, इतने धर्म के मानने वाले लोग हैं, यह भारत क्या एक रह पाएगा, क्या यह भारत एकजुट रह पाएगा? लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सारी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए किसी की रही है, तो उस महापुरुष का भी मैं आज स्मरण करना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारी रियासतों का विलय उन्होंने भारत के अंदर कराने में बेहद बड़ी कामयाबी हासिल की। उस समय लोग कहते थे कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं, माने विलय के बाद भी इतनी सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं, कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक घटना का कोई यदि भूकंप आएगा तो यह देश धराशायी हो जाएगा, लोग इस प्रकार की आशंका उस समय व्यक्त करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का स्वरूप हम लोगों को दिया है। लेकिन आवश्यकता थी, जब भारत का एक स्वरूप हमको प्राप्त हो गया तो एक कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि भारत को जोड़ कर रखे।